दिन हो गए मेरी अख सोई ना, तेरे तो बगैर मेरा इत्थे कोई ना। भुख भी है तू ही है गुजारा यड़िए, मनु सब करी तू इशारा यड़िए। ओ खोरे किन्नी वार सीने विच खुबियां, सुरमे दे विच दोवें अखा डुबियां, किन्नी सोनी लगे जदो। तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेके आ चुका हूँ आप लोग के लिए न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग। तो गाइस, आपने प्रीव्यू में तो देख लिया होगा किस तरह का वीडियो एडिटिंग आज हम करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप भी इस तरह का एडिटिंग करना चाहते हैं तो बस आपको क्या करना है कि वीडियो को एंड तक वॉच करना है। और गाइस, इस वीडियो के अंदर जितने भी मटेरियल यूज़ किया सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अभी भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको यहाँ पर क्रिएटिंग दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ये रेशियो सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपको यहाँ से ना फिल स्क्रीन जरूर कर लेना, ठीक है। यहाँ से फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट करना, और आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। एंड देन गाइस, उसके बाद आपको क्या करना है, मीडिया पर जाना और यहाँ से एक इमोजी वीडियो इफेक्ट ऐड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हो कि यहाँ से मैंने ये इमोजी वाला वीडियो इफेक्ट ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो अपने खुद के 10 इमेजेस आपको यहाँ पर ऐड कर लेने हैं, 10 इमेजेस। तो मैं यहाँ पर मीडिया पर जाता हूँ और आप यहाँ पर मैं उसको इमेजेस को ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने 10 इमेजेस को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद गाइस, आप देख सकते हो कि आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पे आना है, आपके फर्स्ट वाले फोटो पर जाना और क्लिप ग्राफिक पर जाना, ठीक है। क्लिप ग्राफिक पर आने के बाद गाइस, अब आपको क्या करना है कि नीचे जाना है स्वीट लाइस वाले क्लिप ग्राफिक पे यहाँ पर, और यहाँ से गाइस आपको फर्स्ट वाला ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड वाले फोटो पे क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक पे जाना है, और यहाँ से जो है आपको क्या करना है, फिर से स्वीट लाइस पे जाना है क्लिप ग्राफिक पे, और यहाँ से सेकंड नंबर वाला ऐड करना है, ठीक है। इसी तरह सब में 1 से लेकर 5 तक आप कोई भी क्लिप ग्राफिक ऐड कर लेना। तो यहाँ से अब हम करते थर्ड वाला, इसी तरह से अब करेंगे यहाँ पर इसमें फोर्थ वाला क्लिप ग्राफिक स्वीट लाइस से। तो यहाँ से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, देख सकते हो स्वीट लाइस से फोर्थ वाला ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ से फिफ्थ ऐड करेंगे, तो यहाँ से जाएंगे स्वीट लाइस पर, यहाँ से जो है फिफ्थ वाला कर देंगे। उसी तरह फिर आपको आगे आना है, फिर यहाँ से जाना है स्वीट लाइस वाले क्लिप ग्राफिक पे, और यहाँ से फिर से हम फर्स्ट वाला ऐड करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे इस वाले फोटो में क्लिप ग्राफिक पे जाएंगे। इसी तरह से आपको ऐड कर लेना। तो गाइस, आपको ये क्लिप ग्राफिक किस तरह से मिलेगा, तो गाइस आपको क्या करना है कि नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, उस पर लिखा है हाउ टू इंस्टॉल कॉल मी डीजे। आप उस वीडियो को देख लेना, आपको इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि गाइस उसी वीडियो के अंदर आपको सब कुछ पता चल जाएगा किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। तो आप इजीली कर लेना और आपको एक काइन मास्टर के अंदर इजीली मिल जाएगा। तो गाइस, इतना ऐड हो जाने के बाद क्लिप ग्राफिक, अब आपको क्या करना है कि आपको आना स्टार्टिंग पे, और गाइस आपको यहाँ पर ये जो प्लस वाला ये दिख रहा है, यहाँ पर आपको गाइस ट्रांजिशन ऐड करना है। तो गाइस, आपको यहाँ पर कौन से ट्रांजिशन की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है यहाँ पर गेट मोर वाले ऑप्शन पर, और उसके बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा जैसे कि मैं देख पा रहे होंगे। उसके बाद आपको जाना है यहाँ से एक्शन वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से गाइस आपको थोड़ा नीचे आना, और यहाँ से गाइस आपको एक क्लिप ग्राफिक मतलब कि ट्रांजिशन मिलेगा सेकिट, इसको आना है और इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, और यहाँ से आपको एक क्लिप ग्राफिक मिलेगा चैनल ट्विस्ट करके, आपको इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अब आपको कहना है वापस आना है, और आपको यहाँ पर मिलेगा एक स्पिन ब्लर, ठीक है। स्पिन ब्लर को भी यहाँ से आके इंस्टॉल कर लेना है जैसे कि आप देख सकते हो, और इसके बाद हमारा एक और बच जाता है यहाँ से रिटर्न। तो वैसे वाला भी आप इंस्टॉल कर, हमारा क्लिप ग्राफिक है जो ये लाइट ब्लर, ठीक है, लाइट ब्लर को भी यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। करने के बाद आपको गाइस ये जो है सब यहाँ पर मिल जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो आपको फर्स्ट वाले पे आना है, और यहाँ से गाइस आपको क्या करना है, जाना है सेकिट वाले ट्रांजिशन में, और यहाँ से फर्स्ट वाला ऐड कर देना, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको जो इसका ड्यूरेशन थोड़ा कम कर देना है, कम करने के बाद आपको जो इसका टाइम इसको इस तरह से सेट कर देना है, सेट करने के बाद आपको यहाँ से डन कर देना। उसके बाद आपको सेकेंड वाले प्लस पे आना है, और यहाँ पर जाना है चैनल ट्विस्ट पर, ठीक है। और यहाँ से गाइस आपको करना है सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला ऐड करना है चैनल ट्विस्ट से, और यहाँ से इसको कम कर देना है इसका ड्यूरेशन, ठीक है। करने के बाद आपको थर्ड वाले पे आना है, और यहाँ से चले जाना है लाइट ब्लर वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसा लाइट ब्लर वाले पे जाना है और फर्स्ट वाला ऐड कर देना है। आपको स्पीड टर्न वाले में फिर जाना है, आपको यहाँ से स्पीड टर्न वाले में, और यहाँ से आपको फर्स्ट वाला ऐड कर देना है, ठीक है। उसी तरह से आपको फिर लास्ट में जाना है, और यहाँ से आना है स्पिन ब्लर से, और यहाँ से आपको फर्स्ट वाला ऐड कर देना है। तो गाइस आप समझ गए होंगे किस तरह से करना है, तो ईजिली आप कर लेना। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ से हमने सब में ट्रांजिशन अच्छे से ऐड कर दिया है। ऐड कर लेने के बाद आपको आना स्टार्टिंग पे, और गाइस अब आपको क्या करना है, आपके फोटो का ड्यूरेशन आपको सबका कम कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सबका ड्यूरेशन आपको कम कर लेना है। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ से मैंने सबका ड्यूरेशन कम कर दिया। उसके बाद आपको स्टार्टिंग पे आना है, लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाएंगे, और यहाँ से लिरिक्स वाला ब्लैक स्क्रीन को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ से ये ब्लैक स्क्रीन को भी यहाँ पर ऐड कर लिया। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे नीचे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर, और इसको जो है स्क्रीन कर देंगे, ठीक है।
स्क्रीन करना है और आपको स्टार्टिंग में आना है और यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर जो है आपको यहाँ पर लाके नीचे रख देना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको बड़ा कर लेना थोड़ा और इसको यहाँ पर नीचे लाके छोड़ देना है। इस तरह से आपको रखने के बाद गाइस देख सकते हो कुछ इस तरह से दिखेगा आपका वीडियो पूरा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से फिर से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाएंगे और यहाँ से लेकर लाइट इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। तो मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ से मैंने लाइट इफेक्ट को भी ऐड कर लिया। इसको क्या करेंगे, फुल स्क्रीन कर लेंगे, ठीक है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको फिर से इस पर क्लिक करना है, नीचे जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर और इसको जो है स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करना है और आपको देख सकते हो कि कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से जाना लेयर पे और यहाँ से एक फुल स्क्रीन बाउंड्री ऐड कर लेना है, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ से फुल स्क्रीन बाउंड्री को भी यहाँ पर ऐड कर लिया। इसको क्या करेंगे, फुल स्क्रीन कर लेंगे। फुल स्क्रीन करने के बाद इसको भी क्या करेंगे, नीचे जाएंगे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर और इसको स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीन करने के बाद आपको इसका ड्यूरेशन आपको बढ़ा लेना है, ठीक है। यहाँ तक इतना हो जाने के बाद गाइस आप देख सकते हो कि आपका यहाँ से एडिटिंग जो आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। कुछ इस तरह से आपका एडिटिंग हो गया यहाँ पर अच्छे से। तो गाइस इस तरह से मैं जिस तरह से मैंने बताया आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, आपका बिल्कुल सेम बन जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए गाइस अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरह से एडिट हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा वीडियो कुछ इस तरह से एडिट हो चुका है। तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, तो आप इजीली एडिट कर सकते हो इस तरह से। करने के बाद गाइस आपको यहाँ से सेव वाले पे जाना है और यहाँ से जो आपको फुल एचडी एचडी जो रखना चाहते हो आप इजीली रख लेना। उसके बाद आपको यहाँ से सेव को भी क्लिक कर देना है, तो यहाँ से जो आपका वीडियो यहाँ से सेव हो जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो अब मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।